हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसके पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग में डॉक्टर होमी भाभा ने अपना सहयोग दिया और 28 फरवरी का जो दिन है उस दिन को संपूर्ण भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमने ध्रुव परमाणु भट्टी के बारे में देखा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा, फिर पोखरण में प्रथम परीक्षण किस तरह से हुआ और उसमें डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना ने किस तरह से अपना योगदान निभाया। इसके बाद हमने देखा कि दूसरा परमाणु परीक्षण उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने किस तरह से अपना योगदान यहाँ पर दिया। उसके बाद हमने कुछ मिसाइल के बारे में अध्ययन किया, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग प्रक्षेपणास्त्र, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा था कि अंतरिक्ष अनुसंधान की किस तरह से 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आर्यभट्ट जो थे एक महान गणितज्ञ थे, तो एक महान गणितज्ञ के नाम पर पहले भारतीय उपग्रह का नाम रखा गया और उसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आज जो है उसी कड़ी में हम देखेंगे आगे इसरो के बारे में। इसरो अर्थात ISRO, उसे कहते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम एवं अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य कर लेने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए, अर्थात और अधिक रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए यहाँ पर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलोर में है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि इसरो की स्थापना क्यों की गई। तो इसरो की स्थापना अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम एवं अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य कर लेने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसरो का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलोर में, खालिस्तान के लिए भी आ सकता है कि इसरो का मुख्य कार्यालय खालिस्तान में है, तो हमें एज अ आंसर उत्तर मिलता है बेंगलोर में। इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित, अर्थात उपग्रह स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में अंतरिक्ष तल कार्यान्वित किया। तो वहां पर अंतरिक्ष तल की स्थापना की। इसरो का प्रमुख उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, लोगों की मदद करना और नए नए उपग्रह की स्थापना करना। तो ये जो है इसरो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है और जन कल्याण के बारे में सोचता है। भास्कर एक, अब हम देखेंगे कि भास्कर एक क्या है। तो वर्ष 1989 में पृथ्वी की सतह के विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर एक प्रायोगिक उपग्रह भारत में सोवियत यूनियन ने भेजा। अब ये भास्कर एक जो है ये यहाँ पर उपग्रह का नाम है, तो ये प्राकृतिक प्रायोगिक उपग्रह है, प्रयोग के लिए भेजा गया 1979 में, ताकि पृथ्वी की सतह के विविध बातों का निरीक्षण किया जाए। जो पृथ्वी की सतह है उसके बारे में विविध स्वरूप से निरीक्षण किया जाए, तो इसके लिए सोवियत यूनियन ने
भारत ने सोवियत यूनियन से भेजा। और देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु, इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जल संग्रह अधिक है, कहाँ पर किस प्रकार की खनिज पाई जाती है, जलवायु किस प्रकार की है, इन सभी का अनुमान भास्कर एक द्वारा आसानी से लगाया जा सकता था। इस तकनीक की सहायता से भूगर्भ संबंधी अर्थात पृथ्वी के अंदर पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र महत्वपूर्ण थे। अर्थात जो भी फोटोकॉपी, ये उपग्रह इसमें कैमरा फिट होता था, तो जो भी ये जहाँ पर भेजा गया था पृथ्वी के सतह और पृथ्वी के अंतर्गत होने वाली सारी हलचलों के बारे में यह जानकारी इकट्ठा करके फोटो खींचता था। और इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग समुद्र विज्ञान, जिसे ओशनोग्राफी कहा जाता है, ओशनोग्राफी, ओशन, ओशन मतलब होता है समुद्र, तो समुद्रग्राफी में हुआ। वर्ष 1981 में भास्कर 29 यह उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया। तो इस प्रकार से भास्कर एक की संरचना की गई इसरो के द्वारा, ताकि यहाँ पर जन कल्याण के लिए वह सहायक हो सके, उसका उपयोग किया जा सके। इसी कड़ी में है एप्पल। तो ये इसरो द्वारा रचित उपग्रह है एप्पल। इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया, भारत में बनाया गया भारत का पहला दूर संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। अब यहाँ पर ब्राजील का है ये फ्रेंच गियाना क्षेत्र, जो कि ब्राजील की सीमा से लगा हुआ है, देश है फ्रेंच गियाना, तो वहाँ से भेजा गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत द्वारा बनाए गए दूर संचार उपग्रह का क्या नाम है और कब और कहाँ से भेजा गया। तो भारत ने इसरो द्वारा भारत का पहला दूर संचार उपग्रह एप्पल है, जो कि 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। एप्पल के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली। यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली, तो हमें एज आंसर मिलता है एप्पल। आपातकालीन दूर संचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य सफल हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर आपातकालीन दूर संचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य एप्पल द्वारा सफल हुआ। अब हम इसके आगे देखेंगे इंस्टेंट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो अगस्त 1983 में इंस्टेंट 1B, ये सब जो है उपग्रह के नाम है, तो इंस्टेंट 1B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इस कारण भारत में दूर संचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान बताना और अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट या इंस्टेंट की कब स्थापना हुई। तो अगस्त 1983 में इंस्टेंट 1B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इंस्टेंट के कारण, अब ये जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट था, इसके कारण देश भर के 207 आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे से जोड़ना संभव हुआ। अर्थात इस सैटेलाइट के द्वारा 207 आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना की गई, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इस प्रणाली का उपयोग, इसका उपयोग जो है आपदा ग्रस्तों की खोज, अर्थात आपदा, आफत, परेशानी
उसकी खोज करना तथा बचाव, जैसे जहाज अथवा विमान दुर्घटना में कोई प्रसंग हो गई हो तो उसकी खोज करना, जलवायु में पूर्वानुमान अर्थात जलवायु के बारे में पूर्व अनुमान लगाना, पहले ही उसके बारे में अनुमान लगाना, तूफान की खोज करना कहाँ पर तूफान आने वाला है तथा उसके बारे में बताना, उसको कहते हैं समीक्षा करना अर्थात उसके बारे में बताना, टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थाओं को हो रहा है तो इसके कई सारे जो हैं उपयोग हो रहे हैं, और इंस्टेंट प्रणाली में टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण व दुर्गम भागों की जनता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि ऑनलाइन डॉक्टरों की सलाह होती है तो उसे कहा जाता है टेली मेडिसिन। ग्रामीण और छोटे गांव में स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिस्ट सेवा वाले रुग्णालयों के साथ इंस्टेंट द्वारा जोड़ा गया, जहां पर अस्पतालों की सुविधा नहीं है तो जो भी ग्रामीण और छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी को बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट सेवा वाले हॉस्पिटल से जोड़ा गया। तो ये सब फायदे जो है वो इसकी वजह से हुए, इंस्टेंट की सहायता से हुआ। अब इसी के आगे हम देखेंगे प्रौद्योगिकी प्रगति अर्थात रेल इंजन निर्माण करने वाला चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना बंगाल में बर्धवान जिले के चितरंजन में स्थापित किया गया। यहाँ पे खालिस्तान के लिए बन सकता है कि रेल इंजन निर्माण करने वाला खालिस्तान कारखाना बंगाल में स्थापित किया गया। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो कि रेल इंजन का सबसे अधिक निर्माण करता है, इस कारखाने में वाष्प इंजन अर्थात वाष्प से चलने वाले इंजन, डीजल और विद्युत इंजन का निर्माण किया गया। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया और यहीं से जो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स है तो यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों का निर्यात शुरू हुआ। तो इस तरह से भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक प्रगति की। अब हम इसी कड़ी में देखेंगे टेलेक्स सेवा कि टेलेक्स सेवा क्या है। देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय से आरंभ की गई और वर्ष 1969 में देवनागरिक लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई। भारत में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ और इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में हुआ। वर्ष 1990 में के बाद इंटरनेट का उदय हुआ और इस सेवा का महत्व समाप्त हो गया। पहले लोग जो है टेलीग्राम भेजते थे, टेलेक्स सेवा आता टेलीग्राम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उसी को खाली लिखते थे तो उसी को कहते टंक मुद्रित टंक। तो यहाँ पर वह सेवा उपलब्ध कराई गई, किंतु जब आगे चलकर इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो गई, जब हमें व्हाट्सएप की सेवा उपलब्ध हो गई, हम तुरंत जो है फ़ोन करके एक दूसरे से बात करने लगे, यह सेवा उपलब्ध हो गई तो इसका महत्व घटने लगा।